चुके हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कौन सी बिल्डिंग है हमारे वहाँ लखनऊ को, लखनऊ में जिसको भी टहलना होता है वो यहीं आता है ज़्यादातर। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है टहलने के लिए, साइंस सिटी इसको कहते हैं, यानी कि आंचलिक विज्ञान केंद्र जो कि हमारे लखनऊ में है। तो आज हम लोग और कृष्णा सर लोग आए हैं यहाँ पर टहलने, तो कुछ ऐसा व्यू है। और यहाँ पर गेट मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, इस तरह का है कुछ। तो चलिए हम लोग चलते हैं, और कृष्णा सर अंदर जा चुके हैं, मैं गाड़ी पार्किंग में लगाने आया था तो गाड़ी हो चुकी है पार्क अपनी। अब चलिए चलते हैं और टहलते हैं अपना आंचलिक विज्ञान केंद्र। काफ़ी अच्छा गेट बना है फ्रेंड्स, और ये हमारी एंट्री, तो कुछ इस तरह से एंट्री है। और ये अपनी बाइक की चाबी, टाइम हुआ है हम लोग का, दिख जा दिख जा। अरे तो गाइज अपनी घड़ी भी हो चुकी है स्विच ऑफ, अब हम लोग को निकलना पड़ेगा इससे। चलो फाइनली हम लोग का सिक्योरिटी चेक हो चुका है गाइज, और कुछ ऐसा दिख रहा है। थोड़ा मैं नीचे करके चलूँगा कैमरा, जिससे कि लोगों के फेस ना आए और मैं आसानी से सुकून से अपनी ब्लॉगिंग कर पाऊँ। और वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अपनी फैमिली, यानी कि कृष्णा सर और सच्चम और सब लोग वहाँ पे खड़े हैं, और सच्चम कुछ ट्राई कर रहे हैं, सच्चम और कपिल कुछ चीज़ें, और सब लोग अपने अपने ब्लॉगिंग में लगे हुए हैं। केवल मैं ही हूँ जिसने यहाँ पे आके ब्लॉगिंग शुरू की है, बाकी सब लोग यहीं पर ब्लॉगिंग चला रहे हैं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिलते हैं सबसे पहले सच्चम से, और सच्चम क्या करने वाले हैं। तो गाइस ये किस चीज़ का है, तो ये है लकड़ी का है ना, तो लकड़ी का बॉल से ये कुछ करने वाले हैं। ये क्या है, ये यहाँ पे सच्चम को ट्राई करने वाले हैं। फ्रेंड्स मुझे इतना नॉलेज नहीं है ये कि इसमें डालो, इस वाले में, हाँ तो यहाँ से आप, हाँ तो छोड़िए, 1 2 3 और ये कुछ इस तरह में है। तो हमें लगा इससे पता चलता है कि कितने ढलान से कितना ज़्यादा वेग बनता है ना, तो इससे वेग का पता चलता है। तो ये सच्चम ने ट्राई किया है, ओ भाई गॉड। तो चलिए फिर से और भी कुछ चीज़ें हैं, बॉल्स खो रही हैं गाइज। कौन सा, वो पाइप वाला, चलिए कुछ पाइप वाला देखते हैं चलके। क्या 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 ट्राई करने वाले हम, मैं तो यहाँ पे कहाँ वहाँ, ये पूरी वहाँ पाइप, जाओ 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 वहाँ पाइप से बोलोगे, ठीक है। तो सच्चम गया है पाइप के उस सिरे पे। ये कुछ साइंस की कमाल की चीज़ें हैं, यहाँ पे साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सुनेंगे कि क्या बोलने जा रहा है सच्चम, तो यहाँ पे सुनेंगे, बोलो हेलो। तो कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है इसमें जो कि बहुत गूंज के आती है आवाज़ यहाँ से वहाँ तक। तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। तो काफ़ी कमाल चीज़ें हैं यहाँ पे, और हम लोग को मिल गए छोटे छोटे से खरगोश। हेलो गाइज, ब्लॉग में हाय कर दो गाइज, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। हाँ इसने बोला हम लोग को सब्सक्राइब करने के लिए, गाइज सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। ये देखा, ये चाबी है, ये मेरी वॉच है, कैसी लगी तुमको वॉच, सब्सक्राइब करना। हाँ तो ये भी कह रहा है सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, लाइक करो। और ये सब देखो, ये सब सुस्त हैं, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। हाँ इसने भी कहा सब्सक्राइब करने के लिए, हेलो गाइज। तो फ्रेंड्स आप कुछ और चीज़ें देखते हैं, चलो सच्चम कुछ और भी तो दिखाओ, हम यहाँ पहली बार आए हैं। सच्चम आ चुका है टहलने यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं, अगर मैं आपको एक एक दिखाना शुरू करूँ तो 10-15 घंटे का ब्लॉग बनाऊँगा, तब भी मैं उसमें सब कुछ कवर नहीं कर पाऊँगा, इसलिए जल्दी जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे एक गेम है, इसमें जो वो है जो, अरे क्या कहते हैं ये, बॉल्स को बीच में पहुँचाना है। तो सच्चम पहुँचाओ, इसको इसको वो करो, ये इधर इधर भी तो जाएगा, उठ जाओ। उठा उठा उठा, उठ जा,
खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। चलो तो ये तो हुआ नहीं सक्षम से, अब सक्षम कुछ और ट्राई करने वाले हैं। तो आप क्या ट्राई करने वाले हैं सक्षम? ये क्या है? ये हम लग रहा है वो है, क्या कहते हैं जिसमें वो, अरे क्या कहते हैं इसको, हेप्नोटाइज है ना, हेप्नोटाइज करने वाला है। तो यहाँ पे सक्षम करने वाले हैं हेप्नोटाइज। वो 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 वो। तो सक्षम क्या लग रहा है आपको, क्या आप हेप्नोटाइज कर पाएंगे? ये नहीं, वो बोलो मैं कौन हूँ। हेलो मैं कौन हूँ? ओ गाइस मैं हिप्नोटाइज हो चुका हूँ। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ गाइस? ये क्या है गाइस, ये कैमरा कहाँ से आया? ओ माय गॉड, मैं हो चुका हूँ हिप्नोटाइज। गाइस हम दोनों लोग हिप्नोटाइज, और बुआ भी आ गई, ये भी हो चुके हैं हिप्नोटाइज। हम लोग पहुँच गए सरलरेखा या व्रत, और यहाँ से आप देख सकते हैं। जब आप इसको देखेंगे इस तरह से तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो क्या इसे होता क्या है? इससे जो होता है आपका जग जो होता है वो लाल हरा हो जाता है ना, तो यही हो सकता है, और क्या होता है? हेलो भाई लोग, कहाँ हो, कहाँ गए? हम लोग तुमसे मिलने आए थे, कहाँ गए? तो ये भाई साहब हम लोग सोने जा चुके हैं, थक जाते हैं बेचारे। हम लोग जैसे परेशान करने लोग आते रहते हैं ना। ये देखो ये बैठा है यहाँ पे, इससे मिलेंगे हम लोग। तो कैसे हो गाइस? हेलो व्हाट्सएप। काफी दुखी लग रहा था लेकिन हम लोग, ये काफी दुखी लग रहा था लेकिन हम लोग इसको खुश कर देते हैं, गुदी गुदी गुदी। तो थोड़ा सा खुश लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ सक्षम भी इसके साथ में सेल्फी लेंगे, गजब की सेल्फी आनी चाहिए। भाई साहब ये झूला देख के तो अपने बचपन की याद आई, और यहाँ पे आएंगे तो झूलेंगे, जहाँ भी मैं जाता हूँ सब लोग वहीं आए। तो अब हम फ्रेंड्स झूलने वाले हैं, और तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग काफी बचपन की यादें जो हैं वो ताजा कर रहे हैं, और ये टूट भी सकता है। लो लो लो, कृष्णा सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये किस उत्तोलक में आता है, डू यू नो अबाउट दैट? उत्तोलक का तो पता नहीं लेकिन मजा तो बहुत आ रहा है, इसमें मजा बहुत आता है। बस अब नहीं देखा जा रहा मुझसे, मैं कुछ और देखूंगा। भैया साधारण कैमरा है ये, तो इस कैमरे से हम लोग देखने वाले हैं। ये क्या है? तो गाइज बहुत सारे यहाँ पे चीजें हैं, और मैं क्या क्या दिखाऊं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जो मन करता है वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इससे देखता हूँ तो ये बाल्टी मुझे शायद भरी दिखे। हाँ तो इससे मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से अगर आप इससे से देखते हैं तो आपको ये बाल्टी जो है वो फुल दिखेगी, भरी हुई दिखेगी। चलिए कुछ और भी देखते हैं। ये तीव्र घूमे, कुछ घूमने वाला यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बैठ के आप घूम सकते हैं। सक्षम घुमाते हैं, सक्षम ये कुछ घूमने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सक्षम को बुला के घुमाते हैं। तो सक्षम बैठ चुके हैं और ये घूम के दिखाएंगे। ये क्या घुमा दिया तुमने, चलो अब किसी और की बारी। ये इंसान हमेशा ब्लॉक से छिपता है, यही है वो इंसान जो कृष्णा सर का बड़ा बेटा है, इसका नाम है कपिल। बैठो इस पे, तो अब कपिल घूमेगा इस पे बैठ के। चलो घूम के दिखाओ, ये करके दिखाओ,
ये करके दिखाओ। तो सक्षम को जाना है आर्मी में, तो ये कुछ तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, इसे खींचोगे तो ये आपको ही ऊपर ले जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप खींच के खुद को ऊपर ले जा सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, खुद खींचो। तो ये खुद खींचो चला रहे हैं और कपिल इसमें हमें लग रहा है विनर होंगे, खुद खींचो में। खींचो खींचो, चलो खुद खींचो के बाद कुछ और देखते हैं हम लोग। ये है बड़ा सा टिड्डा। ये गाइस जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो फसल जो गायब हुई है, ये इसी टिड्डे ने खाई है। ये काफी बड़ा टिड्डा है। ये जितनी भी आपको देख रहा है, ये सब कटा हुआ दिख रहा है ना, ये सब इस टिड्डे ने खाया है। तो गाइस, हेलो कर दीजिए गाइस अगर आप यहाँ पे हैं। हेलो, अब हम लोग करते हैं फॉलो। आपने कहा है हेलो, तो हम लोग कर रहे हैं आपको फॉलो। सचम, तुम्हें पता है ये सब पत्तियाँ क्यों कटी हैं? क्यों? क्यों? नहीं, वो खराब है, वो बेकार है। वहाँ क्यों? ये यहाँ पे था, ये टूट गया है। इधर आओ यहाँ आओ जल्दी से। तो हम कपिल को बताएंगे कि तुमको ये सब पता है। इधर देखो, पहले ये देखो पत्तियाँ सब कटी हैं। यहाँ पे देखो सब घास कटी है। अरे सब कुछ कटा है ना। आओ तुमको दिखाते हैं किसने काटा है। वहाँ पे एक बड़ा सा टिड्डा है, उसने ये सारी घास खा ली है। तुम्हें पता है? सही बता रहे हैं, बहुत बड़ा सा टिड्डा है। जल्दी से आओ, तुम भी देखो आके जल्दी से। ये देखो, ये टिड्डा है, है है टिड्डा, इसी ने खाया सब कुछ। ये सारे घास खा लेते हैं। हाँ, ये देखो इसने सब कुछ खा लिया है। अब ये यहाँ पे आसानी से बैठा है आराम से। औरत जो है ये चुगली करती है। गाइस देखो, ये औरत यहाँ पे है और एक सेम टू सेम औरत वहाँ पे है। तो ये गाइस चुगली कर देती है वहाँ पे। अगर आप इसके कान में बोलोगे तो वहाँ पे वो बोल देती है, जाओ मैं कुछ बोलने वाला हूँ। वहाँ सुनोगे जाके कपिल, जल्दी जाओ और तुम मुझे बताना कि मैंने क्या बोला। तो ये बोलेगी गाइस, और कहाँ इसके कान में बोलना है? इधर इधर है ना। तो देखो, ठीक है कपिल, तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? सुनाई दिया। तो हमें लग रहा है इसकी आदत बदल चुकी है गाइस, ये बदल चुकी है। ये बदल चुकी है, लेकिन कौन बोलता है? एक मूर्ति के सामने खड़े होकर जाइए और वहां पे जाके, अच्छा समझ गए कुछ तो है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये बोलती है, यहाँ से वहाँ मूर्ति दोनों अटैचमेंट है। बोलो वहाँ से, कान में बोलो उसके कान में। तो बोलो उसके कान में, बोलो उसकी कान में, बोलो कान में। कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। हमें लग रहा है ये काफी दिनों पुराना है, तो इसलिए ये खराब हो चुका है। लेकिन फिर भी ये अगर अच्छी चीज, ऐसा अगर था तो काफी यूनिक चीज थी। चलो इसमें इंडिया ढूंढ के दिखाओ, इंडिया का है या नहीं है? घूमेगा, घूमी घूमी घूमी। अरे ये घूम क्यों नहीं रहा है? ग्लोब प्रतिमा इसमें देखो, इसको पढ़ो तो क्या लिखा है। भारत के दो वैज्ञानिक चेहरों को पहचान सकते हैं। अच्छा, इसमें वो वैज्ञानिक के चेहरे हैं। तो मुझे पानी पीना था गाइस, तो मैं नल के पास आ गया। काफ़ी बड़ा सा नल था, लेकिन इसमें पानी तो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है मुझे पता नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास है कृष्णा सर, और वो हमें बताएंगे कि इसमें पानी कहाँ से आ रहा है। तो इंट्रोड्यूसिंग कृष्णा सर, और ये हमको बताने वाले हैं कि इसमें जो पानी है वो कहाँ से आ रहा है। तो बताएंगे कुछ इसका फैक्ट वैक्ट का, इसका रिवील करिए। इधर आइए पहले, इधर तो आइए पहले, आप देखिए ये कहाँ से पानी आ रहा है। तो का कुछ आप देख के बताएंगे। पानी जो है, इसी जो पानी की धार है जी जी, इसी के बीच में एक पारदर्शी पाइप लगा है, जिससे पानी ऊपर जाता है और वापस नीचे गिरता है। ओ गाइस, अब मुझे दिखा कि यहाँ पे एक पाइप है, तो यानी कि ये पानी इसी में जाता है और फिर वापस आता है। समझ में आ गया। वैसे मैं भी इंटेलिजेंट था, मैंने पहले ही समझ लिया था, लेकिन वही है कि मुझे ब्लॉग बनाना था, तो है ना आप लोग को तो पता ही है कि मैं काफ़ी इंटेलिजेंट हूँ। अब हम लोग चलते हैं यहाँ इसके अंदर, अंजलि विद्यान नगरी।
काफी अच्छे झरने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे पत्थर कौन डाल के गया है, काफी खूबसूरत गाइस, बहुत ही खूबसूरत। वाह क्या माहौल है यहाँ का। तो चलते हैं अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। ये कुछ ऐसा है, पावर फ्रॉम सी, अब सी से पावर कैसे आता है ये सब कुछ आप देख सकते हैं। मेरी को तो कुछ समझ में नहीं आया, हाँ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं मछलियाँ, ये बहुत प्रसाद की मछलियाँ ये सब बता के, और ये सब कुछ क्या है, मैरिटाइम आर्कियोलॉजी। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बड़ी नकली शार्क्स, इतना बड़ा बड़ा नकली कछुआ मैंने पहली बार देखा, और ये शार्क्स तो मुझ पर अटैक करने वाली हैं। गाइज मुझे बचाओ गाइज। लेकिन ये सब काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइज, लेकिन ये सब नकली है। फाइनली गाइज मुझे मिल गया है कंटेंट, क्योंकि मिला है मुझे बहुत लंबा सा एक्वेरियम, हो सकता है मैं सही से ना बोल पाऊँ, लेकिन इसमें मछलियाँ जो हैं वो हर ब्लॉक में काफ़ी अच्छी अच्छी मछली है। हेलो 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 मछली, कहाँ हो? वाह वाह वाह, इसकी मछली कहाँ गई? वो देखो वहाँ पे छिपी बैठी है। हेलो सब्सक्राइब कर दो, नहीं सुन रहा है कोई, नहीं सुन रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी मछलियाँ हैं, मुझे तो काफ़ी पसंद आ रही हैं। हेलो मछलियों, लाइक करने के लिए बोल दो। इसके तो मूछे भी हैं, इधर देखो मूछे हैं। आर यू नकली? ये तो नकली है, ये मछली है नकली। और ये भी काफ़ी अच्छी अच्छी मछलियाँ हैं यहाँ पे, बहुत सारी मछलियाँ, सबसे प्यारी मछलियाँ क्योंकि ये नकली हैं। और यहाँ की मछली कहाँ गई? हेलो गाइस कहाँ हो? यहाँ पे तो सूखा पड़ा हुआ है इस, तो फ्रेंड्स यहाँ सूखे में कोई मछली नहीं है, जा चुकी है। और ये भी मछली काफ़ी अच्छी मुझे लग रही है। हेलो, तो गाइस यहाँ की मछलियाँ अच्छी नहीं है क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे मिलेगा आपको 3D शो, वो मुझे देखना नहीं है। आ गए हम लोग अंदर, हम लोग को समुद्र का फील देने के लिए यहाँ पे कुछ सेटअप किया गया है, ऊपर लगाया गया है ये, इसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर। और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे ओरिजिनल पानी भरा है जो आपको फील देगा कि हाँ ये आप एक बीच के किनारे हैं, और वहाँ से समुद्र से जो है वो लहरें आ रही हैं। यहाँ पे कुछ हवा का भी स्रोत बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा है गाइस, मज़ा आ रहा है देखने में। इतना भी नहीं आया लेकिन आया है। और ये कुछ है सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स, ये सब क्या बना रखा है मुझे कर नहीं समझ में आ रहा है, क्या है ये? ये आप देख सकते हैं नेविगेशन टेक्निक, यहाँ पे देखिए कैसे एक शिप को भेजा जाता है। देखिए यहाँ से सिग्नल गया सैटेलाइट को, और फिर सैटेलाइट से एक शिप पे आपको नेविगेशन मिल जाता है। ऐसे ही थोड़ी ना करता है कि गूगल मैप इधर चलो उधर चलो, तो यहीं से आपको नेविगेशन मिलता है। सारी की सारी दुनिया जो हो रही है ऑनलाइन हो रही है, वायरलेस हो रही है, तो हम लोग को मिल गया है यहाँ पे वायरलेस पियानो। देखो इसके बीच में ले जाते हैं, इसमें नहीं बीच में कपिल बजा के दिखाया। कपिल यू कैन डू इट, 12 बार कर चुके हो टेस्ट तुम। अगले पहले का होगा, फिर एकदम साइड में उधर ले जाओ। अच्छा, इधर ले जाना। एक औरत बहुत सी चीज, इधर से देखेंगे ये डिजाइन है, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा है, फिर ऐसा कुछ है। तो ये 3D में बनाया गया है, काफ़ी अच्छा लगता है हम लोग को। सी और बैक और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, और काफ़ी देखने पे हम लोग को यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर भी
मैं दोनों रास्ते अपने आप से बातें कर सकता हूँ यहाँ पर। अगर मुझे मुझे अपने आप से बातें करनी है, उससे बातें करना चाहता हूँ तो मैं बातें कर सकता हूँ। क्या क्या क्या, तो इस तरह से आप बातें कर सकते हैं। यहाँ पे मिल जाते हैं आपको फन मिरर। ओहो, मेरी तो आँखें खराब हो रही हैं गाइस, जैसा है। धीरे धीरे इनका ट्रेंड जा रहा है फनी मिरर्स का, क्योंकि इससे ज़्यादा फैसिलिटी तो आपके मोबाइल में मिल जाती है, लेकिन मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो मेरे पैर, ये देखो मेरे पैर, तो काफ़ी गजब का एक्सपीरियंस है इसमें। ये ऐसा है, वाह सनी देवल, या ओ काफ़ी लंबा हो गया मैं तो। ये क्या है, हाँ ये कुछ मुझे अच्छा लगा। ये क्या है, मेरा बीच का ये जो हिस्सा है तो घूम रहा है, वाह। तो कृष्णा सर यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इनके लिए तालियां, जोरदार तालियां। बस बस कीजिए सर बस, अब तो सब लोग फैन हो गए आपके। जाएगा आपको कुआं, अनंत कूप है, कूप के अंदर झांके क्या आप इसकी गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। तो भाई यहाँ पे बहुत गहरा कुआं है, लो अब मैं भी परफॉर्मेंस देने जा रहा हूँ गाइस। अंदर सब लोग वहाँ के परफॉर्मेंस देखते हैं, तो गाइस यहाँ पे पूरा खाली हो गया है मेरी परफॉर्मेंस देख के। चलो देखो आ गया। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से पानी निकलता है। खराब है, ये सारे के सारे बटन खराब हो चुके हैं गाइस। तो गाइस घूमते घूमते मुझे लगा कि मैं काफी भारी हो गया हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना वेट टेस्ट कर लिया जाए। और यहाँ पे लिखा है अपना भार जानिए, तो चलिए अपना भार जान लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कितना है कितना है, तो मैं हूँ 64 किलो का मान लेते हैं, तो मैं हूँ 64 किलो का। और यहाँ पे क्या है अपना भार जानिए, तो यहाँ पे जाके देखते हैं। तो ये यहाँ पे पारा देखिए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन है। और ये कौन आ गया, अरे तुम्हारा भार कम है, ओह माय गॉड, यानी कि मैं काफी भारी हूँ गाइस। ये क्या है, हाँ हाँ गाइस घूमते घूमते अब आ गए हम जल हमारा जीवन, और यहाँ पे कोई जीवन बचाने के लिए नहीं है, लेकिन वाह क्या पेंटिंग्स हैं गाइस। अब हम इस पे करते हैं, आओ कोई तो बाहर आओ, ये देखिए। तो ये जल बचाने के लिए काफी हाथ आगे आ चुके हैं, तो होपफुली आप लोग भी जल की थोड़ा सी क्या कहते हैं उसको, जल को बचाइए जिससे ये हाथ और भी हो सके। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, इससे क्या होगा। यहाँ पे अर्थ वाटर, फ्रेश वाटर और ये सारे वाटर्स दिख रहे हैं हमको। यहाँ पे बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें हैं गाइस, तो मेरी तो कुछ समझ में आया नहीं इतना ज़्यादा, बाकी आप लोग इंजॉय करो, देख सकते हो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ क्या है कैसा है। और कभी आप टहलना चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो, ये फुल मैप बना है, किस चीज़ का बना है। ये है अपशिष्ट जल संशोधन, जल शोधन संयंत्र का, और यहाँ से आप इसको
चेंज कर सकते हो, कुछ तो होता है इससे। फिर यहाँ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ओ तो यहाँ पे ज़्यादा लोग आए नहीं है क्योंकि उनको जल संरक्षण करना नहीं है, तो हम लोग को भी नहीं करना है, चलते हैं। और ये हाथ में फिर से देखना चाहूँगा, आ जाओ कहाँ हो, आ गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे। वो ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं है, वो सेंसिबल है, ऐसे ही हल्का टच करोगे बस, टच वाले हैं। वहाँ पे आओ, तुमको दिखाएं, चले जल्दी जाओ, जल्दी यहाँ। जल वाला कहाँ, ये है, आ जाओ जल्दी से, जल दिखाते हैं हम लोग। अरे यार ये तो हाथ पहले से ही है। हाँ जा रहे हैं, रुको, ये आप देखो, देखा मजा आया। रुको दबा रखो, अरे अंदर जा ना, आ गया। अब यहाँ पे आओ, देखो यहाँ, देखो आके, तो लोग यहाँ इसको देखो आके, जल्दी आओ जल्दी। तो हम लोग सबका रिएक्शन देखने वाले हैं, चलो देखो यहाँ, देखो तो। काफी गजब की चीज है ये, पेड़ का रोल करने की मेरे बचपन की तमन्ना थी, तो आज मुझे मौका मिला है और मैं इसका बनने वाला हूँ। तो एज अ पेड़ में कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम अब उछलने वाले हैं, कितना ऊंचा कूद सकते हैं। हाँ नहीं अंकल बजाने वाले हैं। मेरी परफॉर्मेंस खत्म अंकल, मेरे देखो हाइट कितनी आएगी। तो अब सक्षम चेक करने वाला है कितना छुएगा। 210 तो मेरे में इतना कम क्यों आया। हाँ मैं, मुझे फिर से लगाना पड़ेगा। ये क्या, इसमें क्या है, कुत्ते का घर। फाइनली हम लोग, कपिल कहाँ गए, इधर आओ। तो फ्रेंडली फ्रेंड्स हम लोग ने टहल लिया है और काफ़ी मज़ा आया हम लोग को। और कृष्णा सर हैं ऊपर, वहाँ से मेरा वीडियो शूट कर रहे हैं, तो गिरा दिया। तो मिलते हैं अगली किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय सब लोग का। बाय, कपिल कहाँ गया, तो कृष्णा सर ने भी कर दिया है बाय। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।